मेरे बच्चों, जब तुम्हारी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हो तो उन्हें बताना कि हामिद मीर के बयान ने सबको आपदीदा कर दिया। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइल, जिसे इस जंग में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की हुकूमतों की खुली और भरपूर हिमायत हासिल है, अब तक बार बार अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बमबारी कर चुका है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 13 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी न्यूज चैनल के एक बुजुर्ग फलस्तीनी की वीडियो शेयर की, जिसने मुस्लिम ममालिक को आईना दिखा दिया। सीनियर सहाफी ने लिखा, ऐ मेरे बच्चों, जब तुम्हारी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हो तो उन्हें ये जरूर बताना कि जब गजा के फलस्तीनी मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था तो आपकी उम्मत खामोशी से हमारा तमाशा देखती रही। हामिद मीर के ये अल्फाज वही हैं जो वीडियो में मौजूद बुजुर्ग फलस्तीनी ने कहे थे। दरअसल वीडियो में बताया गया था कि गजा में एक फलस्तीनी के तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए। शहीद बच्चों का दादा उनकी मैयतों से मुखातिब होकर कहता रहा कि मेरे पोते पोतियों, जब तुम्हारी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो उन्हें शिकायत करना कि गजा के लोगों के टुकड़े होते रहे, आपकी उम्मत तमाशा देखती रही। आपकी उम्मत ने गजा के लोगों को नाकाम किया, मुसलमानों ने हमें नाकाम किया। मेरे पोते पोतियों, अल्लाह के रसूल तक ये पैगाम पहुँचा।